हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त, उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स, फिर हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं। जय प्रभु, दर्शन मिली। पहला कार्ड है मून, कल फुल मून है गाइस और आज मून की एनर्जी आई है और दर्शन मिल गया हमें। मैंने बोला दर्शन मिली, दर्शन मिल गया। जय हो राधे कृष्णा, जय हो लक्ष्मी नारायण, जय हो शिव शक्ति। क्या बात है, सबकी कृपा बरस रही है। हर हर महादेव। वन मोर कार्ड, हर हर महादेव। माता आ गई हैं तो मेरे महादेव कैसे पीछे रहे। गजब, आज मेरे मुंह से निकला दर्शन मिले और हमें इतना सारा दर्शन मिल गया। सो मैं यही कहूँगी कि मेरे सभी व्यूवर्स का यूनियन हो जाए और सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, जो चाहें वो मिलें। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। फुल मून के पहले की ये वाइब्स है। फुल मून की रीडिंग मैं कल करूँगी, लेकिन फुल मून के पहले जो एनर्जी निकल कर आई है काफ़ी धांसू एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। ऐसा जैसे थर्ड पार्टी अपना पूरा जोर लगाएगी आपके पार्टनर की लाइफ को ध्वस्त करने के लिए और आपके पार्टनर अपना फुल जोर लगाएंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। गजब की यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो डिवाइन चाहेंगे उसकी तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, ये वाइब से, क्योंकि यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, शिव शक्ति लक्ष्मी नारायण साथ में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनियंस बहुत सारे होंगे इस फुल मून के दौरान भी, इस फुल मून के बाद भी बहुत सारे यूनियंस हो सकते हैं। वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस वक्त आपके प्यार में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको मिस करना, आपको याद करना, इस समय बैलेंस में रहकर सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहते हैं। हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच विचार कर लेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ फैमिनिन एनर्जी हावी है, यहाँ पर शक्ति की भी एनर्जी है, यहाँ पर चंद्रमा भी फैमिनिन एनर्जी को दर्शा रहा है, इमोशंस को दर्शा रहा है और यहाँ एम्प्रेस भी फैमिनिन एनर्जी को दर्शा रही है। यहाँ पर भी एनर्जी जो है आपके पार्टनर की ये बैलेंस्ड है, लेकिन इमोशंस हावी होंगी क्योंकि फुल मून के पास की एनर्जी है। साइन की बात करें सो वी हैव पाइसेस, कैंसर, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लेरिफाई वन बाय वन। तो हम जैसे जैसे कार्ड आए हैं, हमारा बरगंडी परेशान है बाहर आने के लिए, नहीं बरगंडी नहीं था, टावर था, हमें लगा बरगंडी है। जैसे जैसे कार्ड आए हैं वैसे वैसे ही क्लेरिफाई करेंगे। पहले नंबर पे चंद्रमा आया है, दूसरे नंबर पे लवर्स आया है, तीसरे नंबर पे एम्प्रेस आई हैं या हाई प्रिस्टेस आए हैं, मैं भूल गई, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम मून को क्लेरिफाई करेंगे। मून को हाई प्रिस्टेस ने क्लेरिफाई कर दिया, मतलब ये कार्ड मून के क्लेरिफिकेशन में आया है। आपके पर्सन के इमोशंस ऐसे हैं जैसे कि मन लगातार 24 घंटा आपके बारे में सोच रहा है, लगातार क्रिएट कर रहा है वो जो ये अपने लाइफ में करना चाहते हैं, बट इन्होंने हाइड करके रखा है, किसी से शेयर नहीं कर रहे, किसी से बता नहीं रहे अपने मन की भावनाओं को। क्या है मन में, क्या छुपा रहे हैं? मन में है दुख, दर्द, तकलीफ़,
बहुत ज़्यादा सफरिंग। क्यों इतने सफरिंग में हैं आपके पर्सन? ऑब्स्टेकल से परेशान हो चुके हैं, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही, शादी की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है किसी न किसी के कारण। तो यहाँ पर ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। जैसे आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा हावी है, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हावी है, या कोई भड़का रहा है आप दोनों के बीच में, कोई है जो माचिस की तीली लगा रहा है, तेल डाल रहा है, और आप लोग उसको लगाने दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, सफरिंग की एनर्जी है। जय हो राधे कृष्ण। समय बदलेगा, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे समय बहुत तेज़ी से बदलेगा। यहाँ पर एक ट्रांजिशन है, एक चेंज है, और ये 360 डिग्री का चेंज है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा चेंज जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने, सडन होगा। हाय प्रीस्टेस, यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव, सिक्स सेंस बहुत एक्टिव, और ईगोइस्टिक, ताकि कोई इनको मैनिपुलेट ना कर सके, कोई इनको दबा ना सके, प्रेशराइज ना कर सके, अपने दिल की सुनेंगे। एम्प्रेस, ये वो हैं जो नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें। अब आप देख लेना कि ये कौन है, जिसके कारण आपके पर्सन दुखी हैं, अकेलापन है। लेकिन फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इन्हें पता है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता, सक्सेसफुली ये निकलेंगे। और यहाँ एक्शन भी होगा, एक्शन जो होगा ये इनकी मेहनत का फल है, और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, इसको लेकर एक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। सॉलिड एक्शन है, टू ऑफ कप्स विद टेन ऑफ कप्स। जय हो शिव शक्ति। यहाँ थर्ड पार्टी डिस्ट्रक्शन से गुजर सकती है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एम्प्रेस के बाद यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन उस सिचुएशन को बैलेंस नहीं करना, यहाँ से बाहर निकलना है, ऐसी वाइब्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, फैमिली हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की वाइब्स में सैडनेस है बहुत ज़्यादा। क्या निकल जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर? बिल्कुल निकलेंगे, कॉन्फिडेंटली निकलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना पता है कि मुझे कहाँ जाना है। थोड़ा रूड बिहेवियर इनका हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड। फोर ऑफ सोर्ड्स, ब्रेकअप सिचुएशंस है, इनको बाहर निकलना है, ये बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ सिचुएशंस कम्प्लीटली एंड हो जाएं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना है, यूनियन में आना है, तो इन्हें ब्रेकअप से गुजरना पड़ेगा। ब्रेकअप किसके साथ? जो लोग बीच में आ रहे हैं। हैरोफेंट क्यों आया है? शादी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, इनकी फैमिली शादी को लेकर इनको मैनिपुलेट कर रही है, जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। और ये जानते हैं कि आप इनसे ट्रू लव करते हो, और ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे यहाँ शादी ट्रेडिशनल वे में हो या लव मैरिज हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस ये चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी हो जो आपके फेवर में हो। सो वाइब्स यहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। जय माँ शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से, आज क्या फीलिंग्स निकल कर आती हैं, उससे हमें और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस तरह की सोच है इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर। उसके बाद देखेंगे एक्शन। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? स्ट्रेंथ विद केयरिंग कनेक्शन, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है,
सोच बाहर आ गई है यहाँ पर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत है आपके पार्टनर लगाएंगी या लगाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसे तोड़ दिया जाए या जिससे बाहर निकल जाया जाए, जिससे मूव ऑन कर लिया जाए। ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जिसे भुला दिया जाए, किसी के कहने पर छोड़ दिया जाए। ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आपने पिछले जन्म से, उसके पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड की है। तो इसमें किसी के चाहने से या ना चाहने से चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ डिवाइन इस जर्नी को चला रहे हैं। ऐसी वाइब्स है करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन के। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी बैलेंस आउट होंगे, कार्मिक सिचुएशंस बैलेंस आउट होंगी। इस वक्त ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। इस टाइम पर अगर किसी का ब्लॉकेज है सोलर प्लेक्सस, सैक्रल रूट, हार्ट, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। इवन आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर सकती हैं। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, राह देख रहे हैं या देख रही हैं आपकी। केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई कर दें। देखिए, इन्होंने आपकी वैल्यू दूसरी सिचुएशंस के कारण खोई थी, लेकिन इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपके बिना कुछ नहीं है इनके लाइफ में, इनका दिल आपके पास है। इन्होंने आपको इग्नोर करके अपने माइंड को डाइवर्ट किया था, वैल्यू देने की कोशिश की पैसे को, धन दौलत घर परिवार, इनको ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश की, अपने आप को आपसे दूर करने की बहुत कोशिश की। बट ये जर्नी ऐसी है कि ये बॉन्ड टूटा नहीं है, उल्टा और मजबूत हुआ है। जितनी दूरी आई है उतना ताकतवर हुआ है ये बॉन्ड। कई बार आप दोनों का रिश्ता टूटा है, कई बार प्रॉब्लम आई है, स्टॉर्म्स आए हैं, लेकिन इन्होंने हर बार वापस आकर ये साबित किया है कि आपके पार्टनर को आपकी फ़िक्र है। और ये कनेक्शन ईजिली टूटने वाले कनेक्शंस जैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई कर दें। दिल से दिल का कनेक्शन है ये, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। यहाँ पर इनका विजन क्लियर है कि इनको क्या करना है। इनके 24 घंटे सबकॉन्शियस माइंड में आप ही की वाइब्स हैं। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, दिल और दिमाग में सिर्फ आप छाए हुए हो। इनकी आंखों में जब भी आंखें बंद करते हैं इनको सिर्फ आप नज़र आते हो। इन्हें समझ में आ चुका है कि आपके साथ कुछ ना कुछ सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो इतना आसानी से नहीं टूटने वाला। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। दिल टूटा है आपके पार्टनर का और इसीलिए सोच रहे हैं कि अब और दिल नहीं टूटना चाहिए, यहाँ पर कंप्लीशन होनी चाहिए शादी के रूप में। टेम्प्रोरी यूनियन यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपका दिल तोड़ा है इन्होंने तो अब ये जोड़ेंगे भी। अगर आपने इनका दिल तोड़ा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बैलेंस आउट होंगी। और यहाँ यिन एंड यांग की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं, ये आप देख सकते हैं। केयरिंग कनेक्शन एंड यिन एंड यांग, दोनों ही वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन से गलतियां बहुत हुई हैं, बट इनको रियलाइजेशन है करंट फीलिंग्स में कि कहां कहां गलतियां हुई हैं और कैसे सुधारनी है गलतियां। तो जिसके जिसके पार्टनर्स वापस आते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वाइब्स ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेंगी। इमीजिएट एक्शन 5-5, मेजर चेंज, मेजर ट्रांजिशन, एक नई शुरुआत। सोच समझ कर लिया हुआ फैसला, न्याय, किसी न किसी के साथ तो अन्याय होगा, किसी के साथ न्याय होगा। जिसके साथ अन्याय होगा कार्मिक हो सकता है, बिकॉज कर्मा जुड़ा हुआ है, शनि की वाइब्स, सैटर्न। किससे मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन,
जजमेंट जिसके साथ कर्मा है, 8 नंबर शनि का नंबर है, तो जिसके साथ कार्मिक सिचुएशंस जुड़ी हुई हैं उसके साथ ये कर्मा फेस होगा। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं, कुछ पता चलेगा आपको। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, अगेन नंबर 5, इमोशनल लॉस, आपके बिना दिल नहीं लग रहा इनका, नहीं लगेगा बिल्कुल। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे 5 से 50 घंटे के अंदर। क्या कमिटमेंट भी मिलेगी? काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत कुछ छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे। यहाँ पर कार्मिक रीजंस के कारण जो कुछ भी डीले था वो डीले से बाहर निकलेंगे। आपकी तरफ आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों आया है चैरियट? डिस्ट्रैक्शन होगा कुछ पहले, और इस डिस्ट्रैक्शन के बाद मदर यूनिवर्स की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो होगा जो कम्प्लीशन तक लेकर जाएगा आप दोनों को, कम्प्लीशन ऑफ अ साइकिल, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ये एनर्जी है। सो आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग के बाद 5 आवर्स से 50 आवर्स के अंदर ये चीज़ें होंगी आपके पर्सन की एनर्जी में। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, रिलीज योर इनर रेबल, लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा क्रिएटिव टैलेंट है जो इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से आप अचीव करके आए हैं, लेकिन उस क्रिएटिव टैलेंट को आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। एंजल्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं अपने अंदर जो आपने एक पूरी दुनिया हाइड करके रखी है उसको बाहर निकालिए। इवन अपनी फीलिंग्स जो आपके अंदर है उसको भी बाहर निकालिए, सप्रेस मत करिए अपने इमोशंस को। यहाँ पर जो भी आप सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो चीज़ें आप क्रिएट करते हैं। आपको ये भाव क्लियर नहीं है, काफ़ी लोगों को लगता है हम तो बस सोच रहे हैं, सोचने भर से वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें चीट तो नहीं कर रहा, और कुछ टाइम पीरियड बाद उन्हें पता चलता है कि उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको इंट्यूशन आ रही थी, नहीं। कई बार आप क्रिएट करते हैं, आपका पार्टनर के मन में वो आप टेलीपैथिकली आप भेज रहे हैं कि चीट करो मुझे, ठीक है? तो ऐसा मत करो, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत किया करो। आपका पार्टनर दूर है तो भी ब्लेसिंग्स दो, हमेशा अफर्मेशंस में ये बोलो कि ही और शी इज़ मैडली इन लव विद यू, वो आपके साथ लॉयल है, वो आपके साथ डेडिकेटेड है, उसको आप जैसा प्यार करने वाला न मिला है न मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किया करो। रिलीज़ योर क्रिएटिव एनर्जीज़, मेक यूज़ ऑफ देम इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत क्रिएटिव टैलेंट होता है। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है गार्डनिंग का, कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है उनको मेकअप करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को डांस का टैलेंट होता है, कुछ लोगों को गाने का टैलेंट होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग का टैलेंट होता है, कुछ लोगों को कुकिंग का टैलेंट होता है, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। तो जो भी आपका टैलेंट है यूटिलाइज़ करिए उसको, अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को बाहर लेकर आइए। साथ ही साथ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। आप में से कई लोगों के साथ अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे होंगे। आपको एक तरह से कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, जब आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, जब आप अपने सोल से कनेक्ट होते हैं। जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज़ की जो चैनलिंग्स हैं, डाउनलोडिंग्स हैं, यूनिवर्स की जो पावर है वो आपके लाइफ में उतरने लगती है। आप जो बोलते हैं वो चीज़ें घटित होती हैं, आप जो सोचते हैं वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, आप जो इमेजिन करते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी ज़ुबान से निकली बातें ऑन द स्पॉट सच हो जाती हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ यूनिवर्स की पावर है। तो जब यूनिवर्स की पावर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, इस दुनिया से ऊपर अलग एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत पावरफुल है, और हम उसी लोक से आए हैं जो लोक में हमारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं हमसे, हमारी हायर सेल्फ, हमारी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो ईस्ट हैं। तो हम जब उस लोक को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हम अपनी स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम इस 3D वर्ल्ड से डिटैच होने लगते हैं। इस 3D वर्ल्ड से हमें लगता है कि ठीक है, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको फुलफ़िल करना है, लेकिन आप जुड़ते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट नहीं रहती है, आप इमोशनली भी बहुत स्टेबल हो जाते हैं कि आपको पता होता है रियलिटी क्या है, कोई बिछड़ता नहीं, कोई साथ नहीं होता और कोई बिछड़ता नहीं है, सब के सब अंश हैं जो जाकर उन्हीं में मिल जाना है। तो आप जब रियलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं तो इस बॉडी की कोई इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं होती, फिर आपके लाइफ में स्पिरिट की इम्पोर्टेंस होती है। और जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं, और उनसे पूछा जाता है तो वो एक पर्सन को लेकर अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर अवेकनिंग फिर काम नहीं करती, क्योंकि जब आप अवेकन होते हैं तो आप मर्ज हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आप वो हैं, वो आप हैं, फिर आप उनके लिए क्रेव नहीं करते। हाँ, भगवान की ब्लेसिंग है, आपको वो ब्लेसिंग्स डेफिनेटली रिसीव होंगी, लेकिन अपने समय से, आप उसके लिए रुके नहीं रहते, स्टक नहीं रहते, ट्रैप्ड नहीं रहते। ये चीज़ें हैं। रिलीज़ योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। आपके अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपका मन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते। कई बार आप सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं, कई बार आप सिर्फ दिल की सुनते हैं, आत्मा की तो बहुत रेयर ही कोई सुनता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने अंदर से उस झगड़े को बाहर निकालो और ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करो जिससे कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। पॉजिटिव थॉट से, मेडिटेशन से, साधना से ये चीज़ें आप कर सकते हो। लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। कुछ नहीं कर सकते तो खुश रहो, खुश रहने का कोई टैक्स नहीं लगता है। अपने भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशियाँ दो। खुश रहने के लिए कोई रीज़न की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक चिड़िया के कपल को भी, मैं अगर अपनी बात करूं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को अगर फॉलो करते होगे तो एक चिड़िया का कपल भी अगर होगा ना तो मुझे खुशी देता है। अगर दो फूल भी आपस में एक साथ निकले हुए हैं तो वो भी मुझे खुशी देते हैं। तो आपको खुशी के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप जब मदर नेचर से कनेक्ट होगे तो आपको सब देखकर ही खुशी मिलेगी। फ्रूट्स आपको दे रहा है, पेड़ खुद तो नहीं खा रहा, उसे तो कभी फील नहीं होता होगा कि मैं तो सिर्फ दे रहा हूँ, मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा, जिसको मैं दे रहा हूँ तो मुझे पानी भी नहीं दे रहा। इतना आम तोड़ते हैं आप, कितनी बार आपने आम के पेड़ में गर्मी में पानी डाला है? कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आम के पेड़, बड़े बड़े पेड़ जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, वो भी मुरझा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यार इतनी गर्मी है, कोई हमें नहीं पूछ रहा, जबकि हम लाइफ लॉन्ग इनको दे रहे हैं। क्या वो ऐसा सोचते हैं? ऑब्वियसली सोचते तो होंगे ही, लेकिन ठीक है, हम सिर्फ लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, सब लेते हैं, ये हम करते क्या हैं भगवान जाने। तो आपको कुछ ना कुछ खुशी देखनी है तो आप हर चीज़ में खुशी देख सकते हैं। खुशी दीजिए, खुशी मिलेगी, बांटिए खुशी, लेकिन खुशी बांटने के लिए आपके अंदर खुशियाँ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप खुशियाँ नहीं बांट सकते। तो आप पहले अंदर से प्रसन्न हो। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। इसमें से जो भी गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल हो उसे ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।